इंडिया के दर्शकों को रूबरू कराते हैं सीतापुर में मतगणना स्थल पर, क्या ताजा हालात हैं? तो सीधे संपर्क करते हैं मतगणना केंद्र के बाहर मौजूद इंडिया संवाददाता अरुणेश। अरुणेश बताइए क्या हाल है ताजा? जी सर, मैं इस समय मौजूद हूँ मतगणना स्थल के बाहर, जो सपा समर्थकों का खेमा बनाया गया था उसके अंदर मैं मौजूद हूँ। और आपको बता दें, यहाँ पर अभी जैसे जैसे जीत का आंकड़ा और तस्वीर साफ होती जा रही है, सपा समर्थकों में जो है जश्न शुरू हो चुका है, रंग गुलाल उड़ाया जा रहा है, एक दूसरे को जो है लोग गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें, इस समय जो जानकारी मिल रही है अंदर से, बताया जा रहा है कि जो सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी हैं उनकी जीत लगभग कंफर्म होने को है। इसकी खबर जैसे ही यहाँ पर जो है सपा समर्थकों तक पहुँचती है, सपा समर्थक बिल्कुल जोश और उल्लास में डूब चुके हैं। सर आपको बता दें, यहाँ पर कोई जो है कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है, कोई समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा रहा है। आपको बता दें, इसी बीच यहाँ पर जो गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर है, उनके छोटे भाई अनुपम राठौर भी यहाँ पहुँच चुके हैं, और पूर्व विधायक जी बाबू भी यहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम समर्थक बिल्कुल जश्न में डूबे हुए हैं। और अब जो है बस इंतजार इस बात का हो रहा है कि जीत का सहरा बांध कर सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर जैसे ही जो है बाहर आते हैं, और ये लोग जो है बिल्कुल अपनी विजय का जश्न जो है बिल्कुल पुख्ता तरीके से मनाने को तैयार है। सर जी बिल्कुल, तो लगभग औपचारिकताएं ही शेष बची हैं। सीतापुर में गठबंधन का कमाल देखने को मिला है, और गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर ने लंबे समय के बाद भाजपा का सूफड़ा यहां से साफ किया है और जीत दर्ज की है। और उन्हें बीजेपी खेमे का क्या हाल है? सर बीजेपी खेमे की अगर हम बात करें तो लगभग 2 घंटे पहले ही बीजेपी के जो समर्थक थे यहां से जो है नदारद होने लगे थे। इस समय तो वहां पर जो है इक्का दुक्का लोग वहां पर बैठे हैं। फिलहाल आपको बता दें, सपा समर्थकों का जो उत्साह है वो उत्साह अति उत्साह में बीच बीच में भी बदल जाता है। पुलिस बीच बीच में उनको फटकार भी रही है। आपको बता दें, सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो है सीओ सिटी अमन सिंह खुद ही तैनात है। इसके अलावा शहर कोतवाल अनूप शुक्ला यहाँ पर मौजूद है, महिला थाना प्रभारी जो इतुल चौधरी है वो यहाँ पर है, तकरन एसओ जो है जो दिग्विजय पांडे है वो यहाँ पर मौजूद है, और सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल जो है मैं लाठी डंडे के साथ यहाँ पर तैनात है। और जब कई समय आ रहा है तो पुलिस महकमा भी एक्टिव हो गया है कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटने पाए, इसलिए सभी यहाँ पर सतर्क हैं, और जो सपा समर्थक हैं उनको नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सपा समर्थक जश्न में डूब चुके हैं, गर्मी के मौसम में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, और समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी राकेश राठौर की जीत लगभग पक्की हो चुकी है। औपचारिकताएं ही शेष हैं, समर्थक खुशी में झूम रहे हैं और जून में होली मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया अरुणेश इस जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जी सर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।